पूरे प्रदेश में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा चर्चा में है। प्रशासन पूरी ताकत से परीक्षा को बिना दिक्कत और सुरक्षा में बिना किसी सेंधमारी के पूरी करने में लगा है। परीक्षा केंद्रों के बाहर पूरा बंदोबस्त किया जा रहा है। परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों को जांच के बाद ही अंदर भेजा जा रहा है। परीक्षा कक्ष में पहुंचने से पहले हर परीक्षार्थी की बायोमेट्रिक जांच की जा रही है। पुलिस अधिकारी लगातार परीक्षा केंद्रों पर घूम घूम कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। इसी मुस्तैदी का नतीजा है कि प्रदेश के जनपद मिर्जापुर में परीक्षा के नाम पर फर्जी पेपर तैयार कर परीक्षार्थियों को ठगने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। गिरोह का मुख्य काम परीक्षा का फर्जी पेपर बनाकर अभ्यर्थियों को महंगे दामों में बेचकर ठगी करने का होता था। ये पूर्व में ही एक फर्जी पेपर बनाकर ये लोग अभ्यर्थियों को देते थे और ये बताते थे कि यही कल का पेपर होने वाला है और उसके माध्यम से इनसे पैसे लेते थे। कितना पैसा लेते थे सर? ये लगभग किसी से 10,000, 15,000, 20,000 इस तरह की बार्गेनिंग करते थे और लोगों से पैसे लेते थे और उस पेपर का जो ये जनरेट करके देते थे उसका और वास्तविक पेपर का कोई लेना देना नहीं है, दोनों बिल्कुल अलग अलग पेपर हैं। तो इस तरह की चीज़ें ये करते थे। इसमें जो मेन व्यक्ति है संजय मौर्य है, जो कि इस काम में लिप्त था। वो फर्जी पेपर ये लोग बनाते थे, दूसरों को अपने व्हाट्सएप के माध्यम से देते थे, उसकी फर्जी की जनरेट करते थे आंसर की और अभ्यर्थियों को देते थे। इसके अलावा इसमें एक और व्यक्ति है, उसका नाम है रतन मौर्य, जो कि एक बाबू के पद पर कार्यरत है, विशाल इंटर कॉलेज यहाँ पर है उसमें। और इसके अलावा एक और व्यक्ति है इसमें, मुन्नू बिंद, जिसको पकड़ा गया है, जिनसे हम लोग पूछताछ कर रहे हैं और कितने लिंक्स हैं इनके, इसको भी डेवलप कर रहे हैं। और जो दो अभ्यर्थी इसमें हैं जो इस तरह के माध्यमों का इस्तेमाल कर रहे थे, इनसे संपर्क में थे, उन लोगों से भी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं और आगे तमाम जो और भी लोग इसमें जुड़े होंगे उनका भी पर्दाफाश किया जाएगा और इसको एक SIT गठित करके इसके हम लोग विवेचना बिल्कुल योजनाबद्ध ढंग से कराएंगे। गिरोह के सदस्यों के साथ साथ दो अभ्यर्थियों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है, जो फर्जी पेपर खरीदने आए थे। गिरफ्तारी कटरा कोतवाली के RR इंटर कॉलेज से हुई है। पुलिस मामले की तफसील से जांच कर रही है और उनका कहना है कि जो भी लोग इसमें लिप्त पाए जाएंगे उन सभी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि प्रदेश में होने वाली पुलिस भर्ती परीक्षा को 2 दिनों में पूरा किया जाएगा। लाखों की संख्या में अभ्यर्थी इस परीक्षा के लिए बैठ रहे हैं। प्रदेश के जनपद मिर्जापुर में भी 36 से 37 हजार अभ्यर्थी इस परीक्षा को 21 केंद्रों पर देंगे। प्रशासन और पुलिस भर्ती बोर्ड मिलकर परीक्षा को सफल बनाने के प्रयास में लगे हुए हैं। खासकर पुलिस सतर्कता के साथ परीक्षा में होने वाली धांधली या सेंधमारी के प्रयासों को विफल करने में जुटी हुई है। पंजाब केसरी TV के लिए मिर्जापुर से ब्रजलाल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।